नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। गोपालगंज उत्पाद विभाग टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने आज एक गाड़ी से 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि रेगुलर चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान शक होने पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब इस गाड़ी की चेकिंग की तो गाड़ी में से खुफिया तहखाने में 3 करोड़ रुपए कैश मिले, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। पहले आप सुनिए कि उत्पाद विभाग की टीम ने क्या कुछ कहा है इस बारे में। हम लोग का यहाँ बलथरी चेक पोस्ट पर नियमित रूप से वाहन जांच होता है, तो वही जांच के क्रम में एक शंका के आधार पर एक कार को रोका गया। इको स्पोर्ट कार है, पीछे जब इसको खोल के देखा गया तो इसमें बिल्डिंग किया हुआ था, पीछे का तहखाना बनाया गया था, तो लगा कि इसमें शराब है। मगर जब देखा गया तो इसमें कुछ पैसे का गड्डी दिखाई पड़ा। ड्राइवर से जब पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि हाँ इसमें पैसा है, और बताया कि 3 करोड़ रुपया है जो ये लखनऊ से सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था। तत्काल इसकी सूचना आयुक्त उत्पाद बिहार पटना महोदय को दी गई और यहाँ के डीएम साहब और एसपी सर को भी बताया गया और इनकम टैक्स की टीम को भी खबर कर दी गई है, वो लोग आ रहे हैं। उसके बाद तब इसकी जांच होगी विधिवत, और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या नाम है सर? राकेश और मुकेश हैं, दोनों राजस्थान बीकानेर के हैं। कहाँ से कहाँ रुपये ले जा रहे थे? ये बोला कि लखनऊ से हम सिलीगुड़ी जा रहे थे। अब आएगी टीम इनकम टैक्स की, वो बेहद जांच करेगी तो उसके बाद कुछ बताया जा सकता है उसमें। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी यूपी से आ रही थी और ये लोग इस कैश को लेकर पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे थे, लेकिन शक होने पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब तलाशी ली तब इतने पैमाने पर जो है वो कैश मिले। फिलहाल अभी दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने पैमाने पर कैश मिलने पर कहीं ना कहीं अब पूरे बिहार में जो है वो हड़कंप मच चुका है। आगे इस तरह की खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।